हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीटी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हैं। और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे हम लोग क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, और फाइनली हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस को हम लोग समझ लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के डिफिनेशन को डिफाइन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि वाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हैं। तो एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं या फिर डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्लास में डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि क्लास के अंदर में आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शन है तो ये कुछ ना कुछ काम करता होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए, जबकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब इसका जरूरत होता है। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, उसके लिए मेमोरी को एलोकेट करना होता है, जबकि डिस्ट्रक्टर तब क्रिएट होता है जब उस मेमोरी को डी एलोकेट करना होता है, मतलब कि फ्री करना होता है। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास से क्या होता है, ये मेंबर फंक्शन होता है। दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट्स द मेमोरी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के लिए इनिशलाइज करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है और उसके लिए मेमोरी भी एलोकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास, यानी कि कंस्ट्रक्टर को जब भी आप क्रिएट करेंगे तो क्लास में क्रिएट करेंगे और क्लास का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो क्लास का नेम होगा। दैट इट कैन बी इजली आइडेंटिफाइड, जिससे कि आप इजली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के पब्लिक सेक्शन में ऑलवेज इसको डिक्लेयर या डिफाइन किया जाता है, जिससे फायदा क्या होता है कि आप होल क्लास में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर जो है ना किसी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं प्रोवाइड करता है, इवन वर्ड भी नहीं देता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है, तो उस टाइम में जो है ना ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है। अगर इसके डिफिनेशन को सिंपली आप समराइज करके देखेंगे तो सिंपल में आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, और इसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो जो क्लास का नेम होगा सेम नेम कंस्ट्रक्टर का होगा, जिससे कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये हमेशा क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन किया जाता है, जिससे कि होल क्लास में इसको एक्सेस किया जा सके और ये कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है प्रोग्राम में जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू डिक्लेयर, यानी कि हाउ टू डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास में, क्या इसका सिंटेक्स है। इसके सिंटेक्स को हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको कहाँ क्रिएट करेंगे तो क्लास के अंदर में क्रिएट करेंगे। तो क्लास के अंदर में क्रिएट करने के लिए पहले आपको क्लास बनाना होगा, और क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग क्लास। तो क्लास यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया, और हम लोग क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम हम स्टूडेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट क्लास नेम हो गया। अब इसका बॉडी होगा, अब इसके बॉडी में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, और इसी में आपका मेंबर फंक्शन ही होता है कंस्ट्रक्टर, तो आप इसके बॉडी के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए, कि जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है, तो आप इस नेम से जो है ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में इसका बॉडी भी आपका हो सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया क्या कंस्ट्रक्टर। तो यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है ना प्रोग्राम में इसको क्रिएट करेंगे, ये इसका सिंटैक्स हो गया क्लास के अंदर में कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टर का। जिस प्रकार से कंस्ट्रक्टर काम करता है जस्ट अपोजिट काम करता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन का,
जबकि डिस्ट्रक्टर उसी मेमोरी को डीएलोकेट करने का काम करता है। इसका मतलब है कि जब भी क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और जब उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, क्लास का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और उसके जितने भी मेमोरी एलोकेट हुए थे ऑब्जेक्ट के, उन सारे मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करता है। कैसे डिफाइन करते हैं वो करेंगे, उसको समझते हैं। यह डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, यानी कि जिस प्रकार से कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है। दैट डी एलोकेट्स द मेमोरी एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट हुआ था मेमोरी कंस्ट्रक्टर के द्वारा, उसी मेमोरी को ये डी एलोकेट करने का काम करता है। यह डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, यानी कि डिस्ट्रक्टर भी क्लास के नेम से ही असाइन होता है क्लास के अंदर में, लेकिन इसमें एक टिडल सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टर इज प्रिसीडेड बाई टिडल सिंबल, और ये सिंगल क्लास हैज ओनली वन सिंगल डिस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, लेकिन एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करेंगे, कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में, तो जैसे हम लोग लिखे थे कंस्ट्रक्टर के सिंटेक्स, ठीक उसी प्रकार से डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स होगा। बस यहाँ पे एक टिडल सिंबल आ जाएगा और इसमें एक क्लास में एक से अधिक नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लास का, तो क्लास कीवर्ड से हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास के नेम हम यहाँ पे स्टूडेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट हो गया, और एक हो गया आपका क्लास का बॉडी। इसमें जो है ना आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो नेम होगा क्लास का, वही नेम से डिस्ट्रक्टर आपका क्रिएट होगा। तो क्लास का नेम यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हम लोग भी यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट, और ये आपका हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। अभी क्या बन गया, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, लेकिन डिस्ट्रक्टर इसको बनाना तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टिडल सिंबल को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रीसेड, यानी कि पहले जो है ना टिडल सिंबल यूज कर लेंगे, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डिस्ट्रक्टर। तो इतना इजिली जो हम लोग प्रोग्राम में इसको क्रिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये सिंटेक्स हो गया इसका। अब हम लोग बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं तो इसको डिफाइन करना ईजी होता है, क्योंकि यहाँ से तीन क्वेश्चन निकलता है। एक तो अगर आप इस पूरे टेबल को ध्यान में रखते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने आएगा तो इस सारे पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। अगर डिस्ट्रक्टर के लिए कुछ होता है तो डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देंगे। अगर दोनों को कुछ आता है तो दोनों को लिख लेंगे अलग अलग, और इसके डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स होता है उसको लिख लेंगे, और डिफरेंस भी होता है तो उसको भी आप इस चार्ट से आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। पहले पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड बाई कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, जबकि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी डी एलोकेट करता है। सिंटेक्स की बात करेंगे तो दोनों के सिंटेक्स जो बनेगा वो क्लास नेम से ही बनता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है उसमें एक टिडल सिंबल को हम लोग प्रिसीड कर देते हैं, पहले लगा देते हैं, तो ये आपका डिस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट आर्गूमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्टर में आप आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट आप पास नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। फर्क इतना ही है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब तो आपका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है ना मल्टीपल हो सकता है एक क्लास में, जबकि ए सिंगल डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास, एक क्लास में एक से अधिक डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट लास्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, क्योंकि मल्टीपल होगा तो मल्टीपल का मीनिंग ही होता है ओवरलोड, यानी कि एक क्लास में सेम नेम से आप मल्टीपल जो है ना कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है तो वहाँ पे कोई ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही है तो एक सफिशियंट है पूरे ऑब्जेक्ट के मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए। अगर इस पॉइंट को आप सिंपल में समराइज करके बोलेंगे तो कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए, जबकि डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं डी एलोकेट करने के लिए मेमोरी। दोनों को हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास के नेम से, लेकिन स्टीरियल सिंबल को हम लोग अटैच कर देते हैं डिस्ट्रक्टर में। आर्गुमेंट जो है ना एक्सेप्ट कर सकता है अगर है तो कंस्ट्रक्टर, लेकिन कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं हम डिस्ट्रक्टर में। दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है।
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है एक क्लास में, लेकिन सिंगल कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ही हो सकता है एक क्लास में। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है जबकि डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है।